हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो गाइस, आपने एक मेरी वीडियो देखी होगी तिमूर की, अगर नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बोला है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और आज धूप देखने को मिली है, बट उस टाइम के बाद यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, तो सब उल्टा हो रहा है अभी। और बारिश का वेट हम कर रहे हैं, बट कुछ दिन पहले ही अभी जनवरी में यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हुई है, तो अभी हम होप कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बर्फ़ भी गिर जाए यहाँ पर। लेकिन बर्फ़ का भी कोई अभी पता नहीं है कि गिरने वाली है या नहीं है। सो गाइस, आज मूड है प्लांटेशन का, तो चलते हैं और कुछ पेड़ लगाते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप भी इसी तरह से पेड़ लगा सकते हैं। और जाने से पहले आपको मैं नर्सरी दिखा देता हूँ अपनी। सो गाइस, ये रही हमारी नर्सरी, तो इसमें ये देख सकते हैं आप, ये सेब का पेड़ है, ये सब ग्राफ्टिंग की हुई है। और ये है पुलम का पेड़, इसमें सारा ग्राफ्ट किया हुआ है, ये पुलम के पेड़ हैं, ये सारे पुलम के पेड़ हैं। और यह है आड़ू का पेड़, और ये है गाइस, ये अभी इसमें ग्राफ्टिंग नहीं हुई है, इसे अभी ऐसे ही लगाया हुआ है। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले ही ग्राफ्टिंग करके इसे लगाया गया है यहाँ पर। और ये दो चार दिन पहले बारिश हुई थी, तो इसलिए ये मिट्टी इसमें लगी हुई है। सो गाइस, अभी चलते हैं अपने बागीचे की तरफ। क्योंकि रास्ता थोड़ा संकरा रहता है यहाँ पर, तो ध्यान देना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, जैसा कि दो तीन गड्ढे मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पर, और बाकी मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये प्लेन खेत हैं, तो इसमें फल तो होते ही हैं और सब्जियाँ उगा के भी हम यूज़ कर सकते हैं इसे। बट ये जो जगह मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, एकदम पत्थरी पत्थर है यहाँ पर, और ये बिल्कुल सब्जियाँ इसमें उगा नहीं सकते हैं, स्ट्रेट है, तो इसलिए इसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पर पेड़ लगाकर। सो गाइस, जैसे कि गड्ढे बनाने के लिए हमें कुछ औजार चाहिए, जिसमें कि यह है फावड़ा और यह है सब्बल, ये रहा तब्बल, इसे तब्बल बोला जाता है यहाँ पर।
सो ये गाइस 10 से 12 पेड़ मैंने अभी लिए हैं अपने नर्सरी से, ये आप देख सकते हैं। तो इन्हें हम प्लांट करेंगे यहाँ पर, करीब 10 से 12 गड्ढे मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पर अभी। और इसमें ये सारे ग्राफ्ट किए हुए हैं, ये मेरे फादर ने किए हुए हैं सारे। सो गाइस इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये जो आप पेड़ों में पेंट देख रहे होंगे ये एक्चुअली पेंट नहीं है, ये है पेस्ट बोला जाता है इसे। और जैसे हम लोग प्रूनिंग करते हैं इसमें पेड़ों पे, तो प्रूनिंग के दौरान इसमें एक तरह से कट लग जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं घाव बन जाते हैं, तो वो घाव में हम लोग पेस्ट लगाते हैं ताकि इसके अंदर पानी ना घुस सके, और अगर पानी नहीं जाएगा तो इसमें सड़न भी नहीं आएगी, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी रहता है इसमें। सो गाइज ये गड्ढा बनके हमारा तैयार हो चुका है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, ये दो पोर्शन में मैंने यहाँ पर मिट्टी रखी हुई है, एक जो ये वाली है ये ऊपर ऊपर की मिट्टी है, तो इसमें खाद भी होगा और ये उपजाऊ भी होगी, और जो ये वाली मिट्टी है ये एकदम नीचे की मिट्टी है और इसे हम ऊपर से डालेंगे और इसे हम सबसे नीचे डालेंगे इस गड्ढे के। सबसे पहले मिट्टी और खाद को मिक्स करना अच्छी तरह से। ये गाय के गोबर की खाद है। पेड़ लगाने का सबसे सही टाइम जनवरी और फरवरी का महीना होता है।
सो गाइज, मॉर्निंग से हम लोग लगे थे काम पे और अब हो चुके हैं शाम। ये आप देख सकते हैं, सूरज ढलने को है और हर शाम के बाद एक नई सुबह आती है। सो अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।